आदरणीय मातृशक्ति यहां आए हुए हमारे सभी साथी प्यारे भाइयों और कांग्रेस परिवार और हमारे परिवार के सदस्यों, क्योंकि मैं समझता हूं जो आज यहां से आए हुए मैं उनका परिवार हूं और वो मेरा परिवार, मैं आपका संगठन से बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यक्रम तो बाहर था लेकिन इंद्र देवता ने जो बारिश की है तो हमें सबको अंदर मजबूरन आना पड़ा। और चूंकि आप सब जानते हैं, मैं सभी वक्ताओं से भी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ बड़े सम्मानित हमारे आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, चावला साहब भी हैं, लौनिहाल जी भी हैं, गुलाटी जी हैं, वीर जी हैं और तमाम हमारे बड़े हमारे पार्षद जी भी हैं, सभी नेतागण। लेकिन सबसे क्षमा इसलिए चाहता हूं कि चूंकि आज ही नामांकन का आखिरी दिन है और समय सीमा है, आज आखिरी डेट है, टिकट कल हुई है, तो इसलिए प्रोग्राम को हमने बहुत जल्दी सीमित करके नामांकन हमें नामांकन कार हिल गया है ऊपर वाला हो गया। हेलो, नहीं हेलो, नामांकन का आखिरी समय अभी है तो इसलिए सीमित करना पड़ा और मैं सभी वक्ताओं से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व का और अपने प्रदेश के पार्टी नेतृत्व का, पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछली बार की दफा 2019 में जैसे मुझ पर भरोसा जताया था और आपने इतना आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया कि मैं बहुत मामूली अंतर से मात्र 2500 वोटों के अंदर से पिछली बार 2019 का चुनाव हार गया। और वही आपका प्यार और आशीर्वाद सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ी वजह बनी कि पार्टी ने मुझे दोबारा और आपका प्यार मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि मैं उसके बाद कभी बैठा नहीं। पूरे फरीदाबाद में और हरियाणा में लगातार जो काम करते रहे 5 साल, आपके आशीर्वाद से उनमें मेरी गिनती रही। और तभी चाहे इतनी बड़ी यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा, हास्य हाथ जोड़ो यात्रा, विपक्ष आपके समक्ष जिले की सभी जिम्मेदारी मुझे दी गई, कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया गया और उसके पीछे आपका आशीर्वाद है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी ताकत की वजह से ही मुझे यह मौका मिला है। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने कितने लंबे समय 50 साल इस इलाके की, न केवल इस इलाके की बल्कि पूरे प्रदेश में भी, क्योंकि उनको प्रदेश में भी कई दफा मौका मिला, सेवा की। और हरियाणा के किसी भी जिले में चले जाओ, हमें जाने का मौका मिलता है, जितने आदर से उनका नाम लिया जाता है शायद इतना ही आदर से मुख्यमंत्रियों का भी लिया जाता है, इतना आशीर्वाद आपका। और उनका बेदाग और ईमानदार सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये तो मेरे लिए प्रेरणा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस फरीदाबाद के लिए, इस हलके के लिए जो काम किए हैं वो आप सभी जानते हैं, किसी से छिपे नहीं है। आज पूरे फरीदाबाद में 8 सरकारी कॉलेज है, 8, वो 5 चौधरी महेंद्र प्रताप जी के कार्यकाल के, 8 में चाहे बाटा के दोनों फ्लाईओवर ले लो, 21 का अंडर पास ले लो, यहाँ तक कि 46 का अंडर पास भी उन्होंने कराया, जितनी तमाम बड़ी रोड्स हैं वो डबल कराई उनके उनके शासन में। आपको याद होगा जब हुड्डा साहब सीएम थे, बाबूजी मंत्री थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो पहले, सबसे पहले मेट्रो गुड़गांव और नोएडा से भी पहले फरीदाबाद में आई थी बल्लभगढ़, उन दोनों जिलों के ऊपर हमें प्राथमिकता मिली थी। ईएसआई मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं कि उस समय हमारे मंत्री हुआ करते थे ए सी चौधरी जी,
उनके प्रयास से हिंदुस्तान के 100 जिले मांग रहे थे, लेकिन उनके प्रयास से यहाँ फरीदाबाद में आया। तो कांग्रेस के समय में और चौधरी महेंद्र प्रताप जी के समय में इतने काम हुए हैं कि फरीदाबाद आप देखिए लगातार 30-40 साल तक हिंदुस्तान में नंबर एक शहर बना रहा, मतलब तकरीबन बेस्ट सिटीज में से, और NCR में तो नंबर एक हमेशा बना रहा, एशिया का मैनचेस्टर कहा गया। IMT कांग्रेस के शासन में बनी यहाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 10 सालों में लोगों ने सोचा कि भाई हम नई पार्टी को देखते हैं और बदलाव होगा, शायद इससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन जितना धोखा फरीदाबाद के साथ हुआ इतना आज तक किसी के साथ नहीं। 10 सालों में फरीदाबाद हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े शहरों में आ गया, सबसे ज्यादा पिछड़ गया। और बड़कल की मैं बात करूं तो बड़कल क्षेत्र तो इतनी दुर्दशा का शिकार हुआ, आप बिल्कुल जहां देख रहे हैं इसके पीछे रोज गार्डन है, इस रोज गार्डन में एक रोज भी नहीं, सारा खराब हुआ पड़ा। इसके पीछे हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है नासिक, 8 साल से बन रहा है, 8 साल आप देखिए 8-8 साल से बन रहा है, 8-8 साल से बड़कल झील को भरा जा रहा, नहीं भरी गई। भाई देखिए, जब लोगों को सड़क सीवर बिजली पाने के लिए तरसा दिया, मुझे कई बार हंसी आती है कि सड़क के नालियों के सीवर नहीं साफ हो रहे, गलियों में लोगों के घरों में घुस रहे हैं, ये 90% बड़कल क्षेत्र की कहानी है। 90% पार्षद जी आप भी देख रहे हैं, आपको मालूम है, कैलाश जी आप भी पार्षद है, विकास जी, राकेश जी, जितने भाई आप सभी पार्षद है, संदीप बाबू है, चंदू भाई साहब है, पुराने आजाद जी पार्षद है हमारे, सारी हमारी टीम खड़ी है, पुराने हमारे पार्षद प्रिंस जी, आप तो पूरे शहर की हालात देख रहे हो, 90% ये हालात है सभी के क्षेत्रों में कि पानी भरा रहता है गलियों पे, जल भराव रहता है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर बैग मारता है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, टोटल ID म्यूटेशन, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, रजिस्ट्री, टोकन, सर्वर, इसके नाम पर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया, लूट लिया गया। लेकिन बड़ी बड़ी, बड़ी। रोजगार हमारे इलाके को मिला नहीं, सम्मान हमारे इलाके को मिला नहीं, काम हमारे इलाके को मिला नहीं, और हम जो शहर है इसको स्लम बना दिया। आज से 40 साल पहले जो स्लम की डिमांड होती थी आज सारा शहर वही करता है। हर कहीं चले जाओ, सेक्टर चले जाओ, गांव चले जाओ, कॉलोनी चले जाओ, सब आदमी कहते हैं कि भाई साहब सीवर बह रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। हमें मांगने चाहिए थे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, कि हमारे टाइम में कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बने, YMC यूनिवर्सिटी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाई, कांग्रेस के समय बने, हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटी बनी, प्लेग्राउंड्स बने, और आज ये हालात है कि कोई बड़ी चीज नहीं मांगता, हर आदमी मांगता है तो केवल सड़क सीवर बिजली पानी। इससे हमें निजात पानी है, इस टोल नगरी से निजात पानी है, जो फरीदाबाद को एक तोहमत दे दी है कि एक टोल की नगरी है। कहीं चले जाओ, बदरपुर, कोसी, गजपुरी, गुड़गावा, सोहना, ग्रेटर नोएडा, इसी तरफ निकल जाओ, 6-6 टोल इस शहर में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, टोल नगरी बना दिया गया। हर चौक पे ठेका और अहाता, इस शहर को ठेके और आहतों की नगरी बना दिया गया, इस शहर को जल भराव की नगरी बना दिया गया, इस शहर को कचरे की नगरी बना दिया गया, इस शहर को बेहतर सीवर की। देखिए कितनी दुर्दशा है इस शहर की, तो इससे मुक्ति का समय है। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप मेरा परिवार, आप तो मुझसे भी ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझसे ज्यादा चुनाव आप लड़ रहे हैं, मुझे एक सब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपनी नीतियों को लेकर आगे जाए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़कल का उसमें हिस्सेदारी होगी, ताकत होगी, तो हम वापस बड़कल को गुलजार करेंगे, इस इलाके को गुलजार करेंगे, और बहुत ही जल्दी ये एरिया वापस नंबर एक में बन के आएगा। बिल्कुल सामने जब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते थे तो परिवार वाले चाचा की मोटरसाइकिल पे बैठ के आते थे, दशहरा देखते थे, लाखों आदमी, फरीदाबाद का दशहरा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, और आज 10 साल है यहाँ दशहरा मना नहीं थे। अब 5 तारीख को है, 8 तारीख को गिनती है, आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, और आप अपना आशीर्वाद, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर मैं नहीं बन सकता, आप अपना आशीर्वाद दे दो तो आपका दशहरा यही बनेगा।
भी आए थे, हमने और उन्होंने दोनों ने मिलकर वायदा किया था कि दशहरा ही मनवाएंगे। तो मुझे लगता है उस वायदे की वजह से ऊपर वाले ने कृपा करी है और दशहरा जो ऐतिहासिक दशहरा फरीदाबाद का ही है। सवा दो लाख नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी है, 2.25 लाख। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि वो नौकरियां तुरंत भरी जाएंगी। जब भरी जाएंगी तो हमारे यहाँ के युवाओं को भी उसमें हिस्सा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो इस बदलाव के लिए नौकरी मिलेगी, इसके अलावा